हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लश ब्लश। और मैं हूं आपकी फ्रेंड दिया। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है ये है आपके स्किन को और ज़्यादा ब्राइट करने के लिए, और ज़्यादा स्मूथ करने के लिए, रिज्यूविनेट करने के लिए, और एक बहुत ही अच्छे टेक्सचर के लिए। बहुत ही सिंपल वीडियो है और ये है एक रिक्वेस्टेड वीडियो। मैंने कुछ दिन पहले एक शीट मास्क का वीडियो बनाया था जो कि था गुड वाइब से। तो आपने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि हाउ इज़ टोनी मोली का जो शीट मास्क है वो कैसा, तो उसी के बारे में है ये वीडियो। ये इतना सिंपल वीडियो है जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एकमात्र प्रोडक्ट से आप लेकर आ सकते हैं अपने चेहरे पर ग्लो। और बहुत ही सिंपल है। अगर आप सीरियसली अपने स्किन को और ज़्यादा रिजुविनेट करना चाहते हैं, फ्लॉलेस करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ के साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे अपलोड कीजिएगा। अपलोड करने के लिए आप सिंपली नीचे लिखा हुआ है अपलोड, अगर आप अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे देख रहे हैं तो आप वहाँ पे जो अपलोड का बटन है वो दबा के मुझे अपलोड कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। साथ के साथ जो फ्रेंड्स मुझे पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल्सो जो पास में दिया गया बेल बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि उससे मिलता है नोटिफिकेशन आपको मेरे वीडियो का सबसे पहले। और तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं कैसा है ये शीट मास्क। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं टोनी मोली मास्टर लैब विटामिन सी मास्क शीट के बारे में। फ्रेंड्स, ये थिन शीट होती है जिसको हम अपने फेस पे इस तरह से लगा सकते हैं। आप देख सकते हो मैंने इसको अपने फेस पे अच्छी तरह से लगा लिया है। इसके बेस्ट फीचर्स ये हैं कि ये आपकी डैमेज जो स्किन है, जो स्किन पे डैमेज हुआ है उसका इंटेंसिव केयर करेगा, उसको हाइड्रेट करेगा, उसका जो मॉइस्चर है उसको बना के रखेगा। ये आपकी स्किन को इलास्टिसिटी भी देता है, तो ये एंटी एजिंग का भी काम करता है। फ्रेंड्स, इसको अगर आप रात को लगाओगे तो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए, 20 से 30 मिनट तक अपने फेस पे इसको लगा लीजिए, दैट्स इट। ये जो भी इसके अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो आपके फेस पे एब्जॉर्ब हो जाएगी और आपको मिलेगी एक रिजुविनेटेड ग्लोइंग स्किन। 20 मिनट के बाद अगर आपके फेस पे थोड़ा सा सॉल्यूशन है तो उसको आप हल्के हाथ से 5 मिनट के लिए मसाज कर लीजिए और सो जाइए। इसके बाद फेस वॉश नहीं करना है। फ्रेंड्स, अगर आप इसको रेफ्रिजरेटर में रखोगे और ठंडा ठंडा मास्क अपने फेस पे लगाओगे तो आपको और ज़्यादा इसके बेनिफिट मिलने वाले हैं। अगर आप इसको ऑफन लगाते हैं तो ये जो है आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, रिंकल्स नहीं आने देगा और टोनी मोली एक ट्रस्टेड ब्रांड है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी वेरी सून विद समथिंग न्यू। तो चलती हूँ, बाय बाय।